अस्सलाम वालेकुम। लेट मी इंट्रोड्यूस ए बुक क्लिनिकल टिप्स बाय संद्रा वार्धन। ये किताब है क्लिनिकल टिप्स। एक्चुअली दिस इज द बुक the writer has compiled the experiences which the homeopathic famous and popular personalities have got the experience by treating the homeopathic patient with the single remedies based on the clinical based on the totality of symptoms। इस किताब के अंदर जो क्लिनिकल टिप्स बयान की गई हैं वो सिंगल रेमेडी तजवीज की गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम साइन सिम्टम टोटैलिटी को बेस करके। यहां पर सिर्फ इतना बताया गया है कि फला केस था, उसकी अलामात के मुताबिक डॉक्टर ने दवाई तजवीज की सिंगल और वो ठीक हो गया। I have already explained this analogy that from where I have got this information or the knowledge, and I have told you that I used to read the different cured cases which the homeopathic doctors have presented either in the books or on the net, and if 100 of patients, maybe you can say sciatica, for example, if 100 of patients have been treated by the different homeopathic doctors worldwide, then they finally concluded on the similimum remedy whatever the symptoms which the homeopathic patients presented to the homeopathic doctors, they concluded or their findings were on single medicine. Might be that remedy may be sciatica, may be Aristarchus, maybe Calosynth, maybe Silesia, maybe Belladonna. But one remedy that was frequently used, or it was frequently indicated in those 100 of patients which were suffering from the sciatica problem, and that remedy was Calosynth. Dr. Huggies, I have myself found Calosynth curative only in recent cases of sciatica, greatly preferring arsenic. The arsenic was also indicated or advised to the patients according to the symptom, and Aristarchus in those of longer standings. यानी जो केसेस ठीक नहीं हो रहे थे जब उनको सिम्टम्स के मुताबिक ट्रीट किया गया, तो उनकी कई केसेस में आर्सेनिक दवाई निकली, कई में रिस्टॉक्स निकली, लेकिन कालोसिंथ ज्यादातर केसेस में निकली। तो हम जब आप कहते हैं ना कि आप सिंगल रेमेडी में आपने कैसे कालोसिंथ कह दिया कि कालोसिंथ बिना शाटिका की दवाई, हम तो डिजीज के मुताबिक दवाई नहीं देते, हम तो मरीज के अलामत के मुताबिक दवाई देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि इफ यू स्टडी 100 ऑफ क्योर्ड केसेस फॉर वन सिंगल डिजीज, देन यू विल फाइंड ए लिस्ट ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज विच वर इंडिकेटेड आर एडवाइज आर सजेस्टेड टू द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर
specific symptoms, and if one remedy has been indicated for many cases, then we can say that that remedy is actually the specific remedy for that case. तो कालोसिंथ कैसे स्पेसिफिक दवाई बन गई सियाटिका की? वो इस तरह बनी कि जब 100 मरीजों को जो सियाटिका के थे उनको जब देखा गया तो उसमें किसी में बेलाडोना निकली, किसी में रिस्टाक्स निकली, किसी में आर्सेनिक मरीज में निकली, किसी में कालोसिंथ निकली, किसी में मैगफास निकली, लेकिन जो रेमेडी उन 100 मरीजों में ज्यादातर तजवीज हुई वो कालोसिंथ। तो नाउ वी कैन ड्राइव दैट कंक्लूजन आर नॉलेज फ्रॉम दीज क्यूर्ड केसेस इज दैट कालोसिंथ इज ए स्पेसिफिक रेमेडी आर ए थेराप्यूटिक रेमेडी फॉर मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द सियाटिका पेशेंट्स। ये हम कह सकते हैं कि सियाटिका के मरीजों में ज्यादातर कालोसिंथ तजवीज होती है। तो इसका मकसद अब ये दिस इज नॉट इट डज नॉट मीन डैट इसका मकसद ये नहीं होता कि यू स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग कालोसिंथ डायरेक्टली विदाउट टेकिंग द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उन अलामात को लिए बगैर ही ना दवाई तजवीज करना शुरू कर दें। द पर्पज ऑफ गिविंग क्लिनिकल टिप्स ऑन द फेसबुक और इंटरनेट ऑन द व्हाट्सएप और अदर ऑन द सोशल मीडिया इज दैट इफ यू हैव रेपर्टराइज द केस एंड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स इफ 1 to 10 डिफरेंट रेमेडीज आर कमिंग अप and you are finding difficult to find the exact remedy or similar remedy, then if you find the kalosynth is present in that list which has come up during the repertorization, then my point is to emphasize on that remedy, that is kalosynth, if it is in that list which is the indicated remedies for your patient which have consulted you. जिस मरीज ने आपको कंसल्ट किया है, जब आपने उसकी रेपर्टराइजेशन की है और 1 से लेकर 10 तक मुख्तलिफ अदवियात आई हैं रेपर्टराइजेशन के दौरान, उसमें अगर कालोसिंथ भी है तो इसका क्लिनिकल टिप देने का मकसद ये होता है कि आप उस कालोसिंथ को ज्यादा इम्फेसाइज कर लें, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे लें अपनी तजवीज में। वो ऑलरेडी अलामात के मुताबिक ही भी आ रही होती है और आप उसको दे भी सकते हैं। तो मेरे नजदीक ये मुनाफकत है। कितने हमारे होम्योपैथी डॉक्टर फ्रॉड लगाते हैं, झूठ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, सिर्फ झूठ बोलते। किस तरह कहते हैं आप कहेंगे किस तरह वो कैसा झूठ बोल। देखे ना, जब अभी एक डॉक्टर साहब है, मैं नाम नहीं लेता, नाम लेने से फिर वो बैक बाइटिंग में चला जाते ना, किसी के चुगलखोरी में चला जाता। वो कहता है जी कि अगर सर में चोट लगे तो वो जी नेटम सेल्फ देनी है, तो जब ना वो वैसे इंजरी हो जाए तो आर्निका देनी है, अगर मसल डैमेज हो जाए तो ये देनी है, और अगर नर्व डैमेज हो जाए तो हाइपेरिकम देनी है। तो उल्लू के पट्टे, तो एक एक अलामत के ऊपर अलामत दवाई तो बताई जा रहे, एक अलामत के ऊपर आप एक एक दवाई बताई जा रहे, लेकिन मैं जी ना सिंगल अलामत पे दवाई नहीं देता, मैं जी ना मुकम्मल तौर पे अलामत लेता हूं। तो ये झूठा नहीं है, इसको झूठ नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको? मुनाफकत कहते हैं। और क्या कहते हैं मुनाफकत का मतलब क्या है? कि जो बंदा बात कर रहा है उसमें खुद अमल नहीं कर रहा, मैंने खुद कह रहा है, खुद क्या कह रहा है? खुद कह रहा है कि जी ना सिंगल इस तरह, ये जो डॉक्टर महज बताता है ना, इस तरह दवाइयां नहीं देनी चाहिए, सिंगल दवाई नहीं देनी चाहिए, फला नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अलामत जब भी कोई मरीज आया तो उसकी सर से लेकर पांव तक अलामत ले, सर ये करें वो करें, और उसके बाद जब उसकी जो स्पेसिफिक अलामत के मुताबिक दवाई बंदे होते हैं। किसने इनकार किया इस बात से? किसी ने इनकार नहीं किया। और जब उसके पास केस आया कि जी बच्चा जो है, वो केस क्या था जी, बच्चा नीचे गिरा सर पे उसके चोट लगी है, तो वो पूछ रहा था कि अच्छा बताएं जी, मरीज पूछ रहा था कि बताएं मैं कौन सी दवाई दूं इसको,
तो उसने कहा कि जी वो अगर सर पे लगे तो नेट्रम सर्फ दे दें, अगर ब्रूस पेन है तो जख्म आए तो आर्निका दे दें, अगर असाब जो है ना वो डैमेज हुए तो वो आप हाइपेरिकम दे दें, और अगर मसल हुए तो बैरिस दे दें, पता नहीं क्या कौन सी दवाइयां दें। तो वो यानी कि उसने पूरी एक लिस्ट बना के दी, सिंगल अलामत बताता जा रहा है, दवाई बता रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, तो आपने उसकी मुझे सर से लेकर पांव तक अलामतें क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ली? व्हाई यू हैव नॉट टेकन ऑल द सिम्टम ऑफ डेड पेशेंट दैट वाज फॉलन डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ही वाज इंजर्ड एंड ही इज आस्किंग फॉर फ्रॉम यू टू सजेस्ट हिम एनी रेमेडी फॉर हिज पेन विच द पेशेंट इज फीलिंग, बता ना उसको दवाई, उसके ले ना सारी सिम्टम। तो ये सारे स्टूपिड किस्म के लोग, ये क्लिनिकल टिप्स, ये किताब लिखी हुई किसने लिखी हुई, किसने लिखी है ना किताब पूरे कितने सारी भरी पड़ी सारे कितने हैं, कोई कितने चैप्टर हैं इसके। इनका मकसद ये नहीं होता हरगिज, मकसद ये नहीं होता है कि यहां से आपने पढ़ा कि ऑफन इंडिकेटेड इन शैटिका इंडियम INDIUM ये दवाई का नाम है इंडियम, ऑफन इंडिकेटेड इन शैटिका, कौन कह रहा है? डिवाइड स्मिथ, डॉक्टर डिवाइड स्मिथ का तजर्बा है, वो कहता है कि शैटिका के मरीज जो मैंने देखे हैं उनमें ज्यादातर इंडियम दवाई निकली है। तो अब इसका मकसद ये थोड़ी है कि तुझे इंडियम देना शुरू कर दो, ये तो आपको नॉलेज दिया जा रहा है कि इफ यू हैव रेपेटराइज द केस ऑफ योर पेशेंट एंड इफ यू आर फीलिंग आर फेसिंग सम डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट मिनिमम रेमेडी अमंग दोज रेमेडीज विच आर इंडिकेटेड आर दोज विच वर कम अप ड्यूरिंग द रेपेटराइजेशन, देन इफ इंडियम इज ऑल्सो प्रेजेंट देन यू मस्ट गो फॉर द इंडियम, जो इंडियम की मिलामात मौजूद है रिस्टाक्स की भी है। तो वो कहता है कि ये डिवाइड स्मिथ कहता है कि जी मुझे, मैं इंडियम के ऊपर ज्यादा भरोसा करता हूँ कि वो मेरे केस में बहुत ज्यादा मरीज ठीक हुए, ये मकसद होता है इसका। इसका मकसद ये कहाँ से आपने ले लिया कि आपने ट्रेलियर सिम्टम नहीं लेनी है, तो फलना नहीं करना है, तो ये नहीं करना है। मिफाइटस इफ टेकन इन ए लो पोटेंसी व्हेन वन इज एग्जॉस्टेड, जब बंदा एग्जॉस्ट हो जाए थकावट का शिकार हो जाता, इट टोन अप द नर्वस सिस्टम एंड रिलीव्स द एग्जॉशन, डॉक्टर ई ए फेरिंगटन MD। फेरिंगटन साहब फरमा रहे हैं कि जब कोई मरीज थकावट का शिकार हो, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाए काम करने से, थकावट का बहाना करे, कहे जी मैनू थकावट हो जाती है, मैनू एंज हो जाता है, फला हो जाता है, तो वो कहता है कि मेरे केसेस के अंदर मैं मिफाइटस को तरजीह देता हूँ अगर अलामात के मुताबिक दवाई उसकी बने। जैसे चाइना भी है ना, चाइना है, आर्निका है, आर्निका बहुत अच्छी दवाई है, ये जो कहते मेरे औरतें आती हैं ना कहते मेरे मोंडे पीट कर देने, रिस्टाक्स एंड आर्निका दो सौ ताकत, थकावट फिटीक इसको कहते हैं। अच्छा जी, नन ऑफ अस थिंक ऑफ आर्निका माउंटेना एंड रननकुलस बल्ब एज ओफन एज वी शुड इन केसेस ऑफ इंटरकोस्टल मस्कुलर आर नर्व पेन, दे आर बोथ वेरी वैल्यूएबल इन इंटरकोस्टल न्यूरलजिया। न्यूरलजिया में कौन फरमा रहे हैं जी? डॉक्टर कैरी ए विलियम MD, ये इसका एक्सपीरियंस है, उसने जो
क्यूर्ड केसेस देखे हैं, किए हैं, उसमें वो रननकुलस बल्ब आर्निका वगैरह की तारीफ कर रहे हैं। तो इन किताबों को से पढ़ने से आपको कुछ दवाइयों के की जो एफिकेसी है उसके बारे में मालूम होता रहता है। क्यूप्रम आर्स ये फरमा रहे हैं जी, हबली शेल, ये डॉक्टर का नाम होगा, सानों के पता है सानों के अंग्रेजी होंगी, असि हर रोज अंग्रेजी लता वहां पढ़ने, हमारी कौन सी अंग्रेजी मदर लैंग्वेज है, लेकिन सीखनी चाहिए थोड़ा बहुत, टांगे तोड़े जो मर्जी करें है, अंग्रेजी लता बामा पान दो, पर सीखनी तो है ना, क्योंकि नॉलेज आपको वहां से मिल रहा है। तो वो हबली शेल साहब फरमाते हैं कि क्यूप्रम आर्स एक ऐसी दवाई है जो यूरिमिया इसके अंदर इसका बेहतरीन रिजल्ट, तो इसने कितने मरीज देखे हैं, उसमें किसी में एक्वानाइट आई होगी, किसी में बेलाडोना आई होगी, किसी में रिस्टाक्स आई होगी, किसी में टेरिबेंथीना आई होगी, किसी में टीका अंज आई होगी, किसी में बर्बरस आई होगी, किसी में लाइको आई होगी। तो वो कहता है जो मेरे केसेस हैं उसमें ज्यादातर में क्यूप्रम आर्स ने मुझे बेहतर नतीज दिए, मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिए। तो अगर आपकी केस में, अगर आपकी केस में जो अलामत आपने ली है मरीज से और उसको रेपेटराइज किया है, तो रेपेटराइज करने के बाद उसमें बहुत सारी दवाइयां आ रही हैं, अर्टिका आ रही होगी, लाइको आ रही है, बर्बरस आ रही है, कोई भी आ रही, तो अगर उसमें क्यूप्रम आर्स भी आ रही है, तो इस राइटर का क्लिनिकल टिप देने का मकसद ये है कि क्यूप्रम आर्स एक रिजल्ट ओरिएंटेड होम्योपैथिक रेमेडी है। बाकी में मैंने कई दफा देखा है, मेरा अब तकरीबन 33 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड के अंदर, कि जब एक दवाई होती है वो बहुत ज्यादा इंडिकेटेड है, उसकी अलामत सारी मरीज की अलामत ना दवाई में है, बंदा कहता बस हाँ समझ आ गए, बस ऐ दवाई है, ऐ दवाई एनियो ऐवी अलामत है, ऐवी है, ऐवी है, ऐवी है, वो दवाई देते कख फर्क नहीं पड़ता, जीरो रिजल्ट आता। जबकि हम सोच रहे थे यार अलामत तो सारी मिल गई है इसके अंदर, लेकिन कोई दवाई ऐसी होती है जिसके अंदर मरीज की सिर्फ दो चार ही अलामत होती है, सारी अलामत का हयाता या कवरिंग वो नहीं कर रही होती दवाई। लेकिन इस क्लिनिकल टिप का ये फायदा होता है कि बेशक वो आपके नौवें, अगर 10 दवाइयां निकली हैं तो नौवें नंबर पे है, फर्ज किया वो दवाई के ऊपर मार्स हो सकता है नौवें नंबर पे, और जो इंडिकेटेड रेमेडी है सल्फर वो पहले नंबर पे, पॉलीक्रेस्ट भी है, सल्फर पहले नंबर पे आ गई, क्यूप्रम आर्स जो है वो आपके नौवें नंबर पे आ रही। तो इसका ये फायदा है कि क्यूप्रम आर्स ने इतने सारे यूरेमिक पेशेंट्स, यूरेमिया के पेशेंट्स को देखने के बाद रिजल्ट दिया हुआ है, जबकि सल्फर ने नहीं दिया। सल्फर सिम्टम तो अभी सामने नजर आ रही है, लेकिन इसका कहीं क्योर्ड केसेस में कहीं जिक्र नहीं है, अलामतों में तो सामने नजर आ रही है। और ये रोजाना का केस है हमारा, रोजाना का केस ऐसा होता है कि कई दफा अलामत उस दवाई में मिल रही होती है, 100% होती है, दवाई देते हैं कख फर्क नहीं पड़ता, जीरो रिजल्ट होता है। लेकिन कोई ऐसी रेमेडी देते हैं जो क्योर्ड केसेस की वजह से, जिसकी एफिकेसी सामने आ चुकी होती है, जब उसको दी जाती है तो वो बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो आज का टॉपिक यही था, उसकी समरी ये है, द पर्पज ऑफ गिविंग यू द नॉलेज अबाउट द क्लिनिकल टिप्स इज दैट व्हेन यू आर रेपेटराइजिंग द केस, व्हेन यू आर टेकिंग द केस एंड समबडी हैज कंसल्टेड यू, देन ड्यूरिंग द रेपेटराइजेशन व्हेन डिफरेंट रेमेडीज आर कमिंग एट टॉप विच मे बी इंडिकेटेड फॉर For
that patient who is sitting in front of you, then if a remedy that has shown some efficacy in different kind of cured cases, then rather to select a remedy that is covering most of the symptoms of the patient and which has no efficacy result in the clinical tips books, then instead of that remedy, you must select a remedy among those indicated remedies which have shown you the result, or the history or the cured cases history are giving you or telling you the information that that remedy has given efficacy result to some of the homeopath of the past. जो होम्योपैथ पुराने ज़माने के हैं, जिन्होंने अपनी किताबों में किसी दवाइयों के बारे में जिक्र किया हुआ कि मेरे क्योर्ड केसेस में ये दवाइयाँ ज़्यादा रिजल्ट देती रही हैं, तो आप जब केस को रेपर्टाइज कर रहे होते हैं तो आप वो सिंगल रेमेडी जो कि सारी लामतों का इलाज कर रही है, लेकिन उसका कहीं पर भी किसी क्योर्ड केसेस में जिक्र नहीं है कि इस दवाई ने इस तरह का कोई केस ठीक किया हो, तो आप दें तो ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि वो ना दें, वो भी आप दे सकते हैं अगर आप समझते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर वो आपकी 8-10 दवाइयां आ रही हैं, उनमें आपकी कोई ऐसी रेमेडी आ रही है सामने जिसकी एफिकेसी साबित हो चुकी है मुख्तलिफ क्योर केसेस में, तो फिर आप उस दवाई को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया करें, उसको ज्यादा वेटेज दिया करें, उसको उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया करें। ये है जी आज की कहानी, आज की बात। तो किताब जो है याद रख, किताब पढ़िया करो, मतलब इन किताबा पढ़िया उत्ते प्लास्टिक के छापर ला देते हैं क्योंकि नमी की वजह से उनके सफ़े खराब होते हैं, तो वो जो किताब लेते हैं उसको निकाल के पढ़ ली। अभी इसको निकाला हुआ किताब, ये देखें एक और किताब आपको दिखाता हूँ, ये जी लीडर्स इन होम्योपैथिक थेरापेटिक्स ईबी नैश एमडी। ये और मैंने एक दफा कहा था ड्यूरिंग द लेक्चर, वहां पे मैं पेशावर में गया था तो फ्रंटियर होम्योपैथिक कॉलेज में मैंने लेक्चर दिया, तो वहां मैंने बताया था कि एक आम स्टूडेंट जो अभी ताज़ा फ्रेश डीएचएमएस पास हुआ है या उसने बीएचएमएस किया है, तो वो अपने टेबल के ऊपर, क्लिनिक टेबल के ऊपर कौन कौन सी किताबें मस्ट रखे और उसको पढ़ा गया, उनमें एक किताब ये नैश की भी, तो देख लो जनाब मैं रखी, मजाक तो कुदरती सामने आ गया। रियली मुझे नहीं पता था कि ये पढ़ी हुई थी, तो मैंने अभी देखा है ये देख लें आप, कोनियम के बारे में पढ़े, इनके मुख्तलिफ दवाइयों के बारे में पढ़े, तो इन किताबों से आप सीखें, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा मटेरियल पढ़ा होता है उनसे सीखें, और अपने एंगल ऑफ विजन सोच के मियार को आप वसी करें, एक जगह पे ऐसे पिन पॉइंट ना करें, बस ऐ है होम्योपैथी, ऐ होम्योपैथी नहीं है, हमसे ज्यादा कौन पढ़ा लिखा है जो बता दे, देखे ना हम, आई हैव द पावर, आई हैव द प्रिविलेज दैट आई कैन टॉक ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज क्यों, वो इसलिए कि एक बंदा है उसने तो डीएचएमएस भी नहीं किया हुआ शायद, क्योंकि कॉलेज नहीं गया ना क्लासे पढ़ी है, पता नहीं कहां से उसने डिप्लोमा ले लिया, सही है जैन मुन्ने गलत है, सब्जेक्ट उसका जो है ना वो होम्योपैथी नहीं है, उसने एमए इंग्लिश किया होगा, एमए इंग्लिश किया हुआ है, सब्जेक्ट उसका है ही नहीं साइंस, कहीं से उसने डिप्लोमा हासिल कर लिया, फिर जो फील्ड है वो भी नहीं है, होता है ना कि चले किसी ने सोशियोलॉजी में एमए किया है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, किसी ने किसी दीगर, लेकिन वो आपकी मेडिकल फील्ड में आ गया, वो भी नहीं है, वो बने हुए सारे आपको कहानियां सुना रहे हैं, वो फलसफा झाड़ है, ना एनाटॉमी पढ़ी है, ना पैथोलॉजी पढ़ी है, ना एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है, ना बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, ना फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो लेक्चर दे ही जा रहे हैं,
होम्योपैथी के ऊपर, और होम्योपैथी के ऊपर लेक्चर जो है वो सिर्फ वो बंदा दे सकता है जिसने DHMS भी किया हो, BHMS ग्रेडेड भी किया हो, BHMS क्लासिफाइड भी किया हो, MD इन होम्योपैथी भी किया हो, PhD इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी किया हो, और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से किया हो, और रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड तरीके से किया हो, और जाके क्लासें पढ़ी हो, 80-90% हाजिरी पूरी की हो, वो कोई बात करे उस टॉपिक के ऊपर तो बात समझ में भी आती है। किसी ने MA सियासत किया हुआ है तो वो लेक्चर दे रहे किस होते मेडिकल साइंस में, पता है कोई नहीं। कहानियां डालते रहते हैं, लो जी, अल्लाह हाफिज़।